अभी कुछ समय पहले सैटेलाइट इमेजेस आई थी जिसमें चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स दिखे थे उसके होतान एयरफील्ड में इस पे इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर ने कहा था चिंता की कोई बात नहीं है चाइना इंडिया के साथ कभी भी नहीं चाहेगा क्योंकि इससे उसकी हाइप्ड अप कैपेबिलिटीज एक्सपोज हो जाएंगी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया और चाइना के एयरफोर्स पावर को कम्पेयर करेंगे और जानेंगे की क्या एक्चुअली में हाइप्ड अप कैपेबिलिटीज है और क्या इंडिया एज होल्ड करता है इस फील्ड में चाइना के ऊपर तो है।, है, है देखते हैं की कि किस एरियाज में चाइना स्ट्रॉन्ग है चाइना के एयरफोर्स का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और प्लेफ प्लेफ वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट एयरफोर्स है जबकि इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट है प्लेफ का फ्लीट इंडिया से कंसिडरेबली बड़ा है ज्यादा है फाइटर एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम ये सभी कुछ इंडिया से नंबर्स में ज्यादा है प्लेफ के पास 2000 से भी ज्यादा कम्बैट एयरक्राफ्ट है जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 900 सौ कम्बैट एयरक्राफ्ट है लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट भी प्लेफ का इंडिया से बेहतर है यहाँ पे इंडिया उससे बहुत पीछे है एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम और कम्बैट ड्रोन के मामले में भी इंडिया का एयरफोर्स चाइना के एयरफोर्स से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है फिर इंडिया का स्ट्रेंथ कहाँ है एक्सपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का स्ट्रेंथ है पहला उसका एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इन हाई एल्टीट्यूड कम्बैट मिशन रिटायर्ड एयर मार्शल बी एस धनोआ जो कि बालाकोट स्ट्राइक के चीफ आर्किटेक्ट थे उनका कहना है कि कोरियन वॉर के बाद उसके बॉम्बिंग के बाद चाइना ने कभी ऐसा कोई मिशन लिया ही नहीं है उसके मोस्टली जो मिशन होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं सो दे डो नॉट हैव एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ बेसिस इंडियन एयरफोर्स के जो एयर बेसिस हैं वो लगभग एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है वहीं चाइना के एयर बेसिस जो तिब्बत में है उनका डिस्टेंस आपस में 400 किलोमीटर है एयर बेसिस सप्लाई और सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं तो यहाँ पे इंडिया एज एंजॉय करता है फिर है कम्बैक्ट प्रोवन एरियल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपाचे चिनूक जो कि हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भी इंडिया के पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है जिससे कि रैपिड ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट और सप्लाईज़ पॉसिबल हो पाता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में चाइना इंडिया से पीछे है फिर बारी आती है राफेल की जो कि हाल ही में इंडक्ट हुआ है हालांकि चाइना डेवलप कर रहा है फिफ्थ जनरेशन जे ट्वेंटी जो कि उसके स्टेल्थ फीचर्स के बारे में जाना जाता है लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि राफेल इस जे को आसानी से काउंटर कर सकता है फोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडिया का एयरफोर्स कमांड होता है बाय द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और इसके सेवन कमांड्स से हैं वेस्टर्न ईस्टर्न सेंट्रल इस तरह से प्लाफ ऑर्गेनाइज हुआ है फाइव कमांड्स में ईस्टर्न थिएटर कमांड साउथर्न थिएटर कमांड वेस्टर्न थिएटर कमांड इस तरह से इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव पर्सनल है एक लाख चालीस हजार और चाइना में है तीन लाख तीस हजार एक्टिव ड्यूटी मेंबर्स अब जब एयर कमिश्न की बात आती है तो बात आके रुकती है फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के मामले में चाइना की न्यूमेरिकल स्ट्रैक्स काफ़ी ज़्यादा है इसके पास लगभग छः सौ फोर्थ जनरेशन फ़ाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें जे टेन बी है जे इलेवन बी है जे सिक्सटीन है सुखोई थर्टी है और अभी हमने देखा कि ये जे ट्वेंटी भी डेवलप कर रहा है जो कि फिफ्थ जनरेशन फ़ाइटर एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के पास पहले जयगवार था जो कि अब धीरे धीरे रिटायर हो रहा है काफ़ी ओल्ड हो चुका है सुखोई थर्टी है जो कि एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक मिशन करता है सुखोई थर्टी चाइना के पास भी है तो वो काउंटर हो जाता है हमारे पास फिर मिक ट्वेंटी नाइन है मिक ट्वेंटी को रिप्लेस करने के लिए हल तेजस आ गया है और फाइनली राफेल का इंडक्शन हुआ है तो फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में चाइना न्यूमेरिकली आगे है लेकिन रफेल के इंडक्शन के बाद इंडिया बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है ये अपने मिक 29 को अपग्रेड कर रहा है और बचे हुए जेगवर्स को मे भी अपग्रेड किया जाएगा फाइनल डिसीजन नहीं आया है मिराज टू थाउजेंड मिक ट्वेंटी इन सब को अपग्रेड करने की बात हो रही है और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आई कैन मैच और इवन बेटर द चाइनीज एयरफोर्स इन लिमिटेड एयर वॉर अगर थोड़े समय के लिए एयर वॉर होता है तो इंडिया आराम से चाइना को काउंटर कर सकता है मिसाइल्स की बात करें तो प्लेफ के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वेंट्री है ऑफ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स लेकिन इंडिया के पास भी एक स्ट्रॉग एडवांटेज है इसके सारे फाइटर जेट्स इंटीग्रेट हो चुके हैं विथ डेडली ब्रह्मोस और एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसराम टू द लॉन्ग रेंज एयर टू एयर

जो कि इंडियन एयरफोर्स को मदद करेगा डे एंड नाइट मिशन कैरी करने के लिए ये ऑल वेदर अटैक मिशन कैरी कर सकता है और किसी भी रीजन में जैसे कि रगेड माउंटेन रीजन्स में भी जो कि इंडो चाइना बॉर्डर्स के रीजनस हैं वहां पे भी अटैक मिशन कैरी कर सकता है प्लेफ के पास है डब्ल्यू जे टेन अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल एम आई एट और हार्बिन जे नाइन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चंगेज एट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी हैं तो हेलीकॉप्टर्स के मामले में कंपेरेबल स्ट्रेंथ है इंडिया और चाइना की ओवरऑल देखा जाए तो नो डाउट नंबर्स के मामले में चाइना की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि इसका बजट ज्यादा है लेकिन अगर एक्चुअल वॉर की बात आए एक्चुअल इन का मिशो तो ये माना जा रहा है कि इंडिया की स्ट्रेंथ चाइना को इक्वल थ्रेट दे सकती है आपके क्या व्यूज है क्या आपको लगता है कि इंडिया एज एंजॉय करता है एयर फोर्स के मामले में या फिर चाइना का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इंडिया के लिए थ्रेटनिंग है अपने कमेंट्स अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी बताइएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे